तो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग हैं इंडिया के सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में। तो आप सभी लोगों का इंदौर में स्वागत। तो हम सभी जानते हैं कि इंदौर अपने डिलीशियस एंड वैरायटी ऑफ स्ट्रीट फूड के लिए इंडिया में कितना फेमस है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ फेमस मार्केट में आपको घुमाने वाला हूँ, जैसे कि सराफा बाजार, राजवाड़ा पैलेस एंड 56 दुकानी। तो बने रहो आप वीडियो के लास्ट तक एंड बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, आप इंजॉय करोगे। एंड जब भी इंदौर आना तो ये आपको हेल्प करेगा ये चीज ट्राई करने में। तो अभी हम इंदौर के विजय मार्केट में हैं और इस मार्केट में आपको बेस्ट कचौड़ी, बेस्ट पोहा एंड बेस्ट समोसा एंड जलेबी मिलेगा। तो अगर आपको ये चीज़ें ट्राई करनी है एंड खानी है तो आप विजय मार्केट में आओ और आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी काफ़ी। तो अभी हम लोग विजय मार्केट में ही एक माधव उपहार करके शॉप है जहाँ पर है, तो ये इनका मेन्यू कार्ड है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें इनकी, क्या स्पेशल है, क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है एंड ट्राई करते हैं और आपको पूरा फीडबैक देते हैं। आपका क्या नाम है भैया? राहुल। तो गाइस, इन भैया का नाम देवेंद्र सिंह है और इन्होंने अपनी दुकान रिसेंटली ही खोला है, लेकिन इनका जो टेस्ट है, इनके दुकान का जो टेस्ट है वो अलग ही है। मतलब आप ट्राई करोगे तब जानोगे। मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ट्राई किया, लाइक पोहा, कचौड़ी, समोसा, जलेबी एंड। तो आप भी आओ तो ट्राई करो। और इनका नेचर बहुत अच्छा है, देवेंद्र भैया का बहुत ही पोलाइट नेचर है। तो ये इनका शॉप विजय मार्केट में है, आप आओगे तो इनके दुकान पे आना, आपको खुद समझ में आएगा सब, इनका नेचर एंड इनके दुकान का जो टेस्ट है, एवरीथिंग। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। मैंने ये सुना है कि इंदौर की जो लोकल नमकीन होती है वो बहुत अच्छी होती है और उसमें राजस्थानी टेस्ट आता है, तो बस वही ढूंढने के लिए निकल चुका हूँ मैं। और अभी मैं आया हूँ मामा देव नमकीन के शॉप के पास और यहाँ पे नमकीन लेते हैं और ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट है। तो ये रंजीत भाई हैं, जो शॉप है वो विजय मार्केट में ही है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो, आपको नमकीन चाहिए, तो मैं इनका एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो एंड आपको ये डिस्काउंट भी अच्छा खासा लगा देंगे। एंड इनके रियली इनके जो नमकीन है वो टेस्ट काफ़ी अच्छा है। सो गाइज, अभी विजय मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं राजवाड़ा पैलेस की तरफ। और एक्चुअली राजवाड़ा पैलेस भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसा है। एक्चुअली बहुत फेमस है ये इंदौर में, बहुत टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं देखने राजवाड़ा पैलेस को। और राजवाड़ा पैलेस के जस्ट पीछे ही एक सराफा बाजार है जिसका स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब ऑल इंडिया में। तो आपको वो भी सब दिखाने वाला हूँ, तो बने रहो वीडियो में एंड सब चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने कराने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, तो मज़ा आने वाला गाइस रियली। अभी हम लोग राजवाड़ा पैलेस आ चुके हैं और ये पैलेस बहुत ज़्यादा फेमस है इंदौर में अपने लुक की वजह से। और इसको 18th century में होलकर डायनेस्टी ने बनवाया था इस पैलेस को, एंड 1984 में फायर की वजह से डैमेज हो गया था। तो उसके बाद कई बार इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, लेकिन इस बार जो रिकंस्ट्रक्ट किया गया है इस पैलेस को, उसका लुक अलग ही है। तो अभी इस पैलेस को एज अ म्यूजियम ट्रीट किया जाता है, इसमें यहाँ के कल्चर को दिखाया जाता है। अंदर अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ के कल्चर एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से इसमें किया गया। बट अभी ये पैलेस बंद है क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ही है, बट अभी 9 बज रहे हैं रात को, तो अभी तो बंद है। तो मैं अंदर आपको नहीं दिखा सकता इसके अंदर की व्यू एंड एवरीथिंग। बट एक्चुअली एक स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे, कि ये जो सराफा बाजार है वो दिन में आप देखोगे आओगे ना तो आपको स्ट्रीट फूड नहीं मिलेगा यहाँ पे। वो एक्चुअली क्या होता है कि दिन में ये मार्केट गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड ये सब चीज़ें यहाँ पे बिकती हैं, बहुत सारी शॉप है यहाँ पे। और जैसे ही रात होता है ये पूरा बाजार सराफा बाजार में कन्वर्ट हो जाता है, एक स्ट्रीट फूड मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप भी आओ यहाँ पे, चीज़ें एक्सप्लोर करो, देखो, जानो। तो अभी हम लोग सराफा बाजार के सबसे फेमस शॉप पे हैं जिसका नाम है विजय चाट हाउस। इनका जो चाट है वो पूरे इंदौर में बहुत ज़्यादा फेमस है, आप कहीं पे भी बोलोगे चाट खाना या कुछ भी तो आपको यही दुकान रिकमेंड करेंगे, तो ऐसा सीन है। और ये दुकान गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, 1969 से है यहाँ पे और इनका बहुत फेमस है यहाँ का चाट, कचौड़ी, समोसे एंड एवरीथिंग। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, चलिए, इनके यहाँ एक खोपरा पेटीज करके एक पेटीज मिलता है जो कि
आप ऐसे समझ लो कि बहुत फेमस है इनके यहाँ, इनके यहाँ वो सबसे फेमस चीज़ है और बहुत लोग सिर्फ वही खाने आते हैं इनके यहाँ बहुत दूर दूर से। तो अगर आप भी आते हो इंदौर तो खोपरा पेटीज ट्राई करना, मैं ट्राई करता हूँ और आपको फीडबैक बताता हूँ। तो गाइज मैंने खोपरा पेटीज ट्राई किया और रियली इट्स गुड इन टेस्ट एंड ऐसा लगा कि कुछ नया खाया। और एक्चुअली है क्या कि वो आलू का है एंड उसके अंदर कोकोनट की फीलिंग है एंड उसके भी अंदर ड्राई फ्रूट्स है, तो कुछ ऐसा है, कुछ नया सा लगा। तो अगर आप भी आते हो यहाँ इंदौर तो ये खोपरा पेटीज और विजय चाट हाउस का ही ट्राई कर। और गाइज एक चीज़, और ये जो सराफा बाजार का जो टाइमिंग है स्ट्रीट फूड का, वो शाम के 8 बजे से लेके 2 बजे तक। तो गाइज अभी चलते हैं और भी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप इस मार्केट में आते हो तो आपको और कौन सी चीज़ें हैं जो ट्राई ही करना चाहिए। तो ये सर लोग मिले हैं मुझे और ये एक्चुअली हरियाणा से हैं और आए हैं इंदौर घूमने, तो अभी इनसे जस्ट मुलाकात, काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके और इन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब किया, तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी खाते हैं इंदौर का ये चाट और फिर आपको और भी सारी चीज़ें इस मार्केट में दिखाते हैं और क्या है, कहाँ घूमने लायक है, क्या चीज़ खाने लायक है, क्या ट्राई करने लायक है, बने रहो वीडियो में। तो अवनीश भाई, बचपन में जो अपन गेम खेलते थे रिंग को पहनाना था, वही खेल रहे हैं अभी। अवनीश भाई कर पाए कि नहीं अभी? हाँ हो गया। हो गया, बड़े तेज है क्या आ रहा है? दूम, 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 दूम। ये कलाकंद है भैया, ये रबड़ी है, ये कलाकंद है। एक प्लेट कितने का रबड़ी? एक प्लेट 45 रुपये। कितना ग्राम होगा उसमें? 100 ग्राम आएगा। जलेबी ज़्यादा चलेगा भैया? वो क्या भैया, क्या ये मुँह का हलवा सर? तो अभी हम लोग जय बजरंग का क्या चल रहा है, रबड़ी और ये कलाकंद अभी ट्राई किया है, बहुत अच्छा है। तो अगर आप यहाँ आते हो इंदौर में तो यहाँ पे आप ट्राई करो, बहुत अच्छा है। तो गाइज अभी जस्ट हमने रबड़ी, कलाकंद एंड गुलाब जामुन ट्राई किया, आपने देखा वीडियो में, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ट्राई करना अगर आप यहाँ पे आते हो, तो टेस्ट बहुत अच्छा था रियली। तो गाइज अभी खाना पीना हो गया, अब चलते हैं यहाँ से और कुछ शॉपिंग करते हैं यहाँ के लोकल मार्केट में और आपको दिखाते हैं अगर आप यहाँ आते हो तो आप क्या चीज़ें ले सकते हो, तो बने रहो वीडियो में। तो अभी मैं आया हूँ टी शर्ट लेने और इनके पास कलेक्शन इतना है कि मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ कौन सा लूँ। तो इनके दुकान का नाम अब्बासी ड्रेसेस है, तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको अगर टी शर्ट लेना है या कोई भी कपड़े लेना है तो आप इनके दुकान पे आ सकते हो, काफ़ी अच्छे रेट में एंड बढ़िया क्वालिटी में आपको कपड़े मिल जाएंगे। तो गाइस इस दुकान के जस्ट बगल में एक और शॉप है एंड इस शॉप का नाम लाइफ स्टाइल है। इनके पास बहुत सारे कलेक्शन है अलग अलग कपड़ों का, अलग अलग चीज़ों का, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आप ये चीज़ें आओ तो यहाँ पे आप ले सकते हो, अच्छी क्वालिटी एंड अच्छे प्राइस में आपको चीज़ें सब मिल जाएंगी, तो मेक श्योर यू विल चेक आउट। मोहम्मद जकीर भाई, बाय 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 सब लोग, बाय बाय बाय। सो गाइज अभी समय हो गया है यहाँ से निकलने का और रियली बहुत मज़ा आया यहाँ पे नई नई चीज़ें ट्राई करके, घूम के, एक्सप्लोर करके, लोगों से मिल के, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के। अगर आप भी इंदौर में हो या फिर इंदौर आते हो तो ये राजवाड़ा पैलेस जरूर आओ देखने, विजिट करने, यहाँ पे चीज़ें ट्राई करने सराफा बाजार में। और गाइस अभी हम लोग चलते हैं 56 दुकानी करके एक जगह है और वहाँ पे एक साथ 56 दुकान है स्ट्रीट फूड के, तो अभी चलते हैं वहाँ पर और मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। तो एक्चुअली ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैं इसलिए एक और वीडियो बना रहा हूँ इसका सेकंड पार्ट और वो पार्ट जल्दी ही आएगा और वो पार्ट आप ऐसे समझ लो कि नेक्स्ट लेवल का होने वाला है क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ है दिखाने के लिए और अवनीश भाई ने वहाँ पे गाना भी गाया है कलाकार कट्टा में, तो आप इंजॉय करोगे, तो बने रहो वीडियो में। ये भी अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताओ कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं इन फ्यूचर में, तो कमेंट करके बताओ मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।